बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो आज हम बनाना सीखेंगे भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ली है पाव किलो भिंडी 250 ग्राम्स। इन्हें धो के अच्छे से मैंने सुखा लिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच जो है हम तेल डालेंगे और साथ ही में हम डाल देंगे भिंडी। तो भिंडी सारी पूरी डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आप नमक खाना चाहते हो इसी वक्त इसमें जो है वो ऐड कर लीजिए। अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे कुक करेंगे जब तक भिंडी हमारी जो है हाफ कुक ना हो जाए तब तक। तो भिंडी हमारी 50% कुक हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैंने बस एक मुट्ठी भर काजू और बादाम जो है इसमें डाले हैं। आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो अब हम इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसे हम करीबन 1 या 2 मिनट पर पकाएंगे स्लो फ्लेम पर, या जब तक हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज ना हो जाए तब तक। तो करीबन 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो और देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो बस अब बारी है इसमें सारे मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 चम्मच, साथ ही में गरम मसाला 1/4 टीस्पून 1/4 चम्मच, फिर 1 चम्मच जो है मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जो डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी पसंद से, और एंड में 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी आमचूर पाउडर। तो बस अब हम इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसे करीबन 1 या 2 मिनट के लिए और पकाएंगे लो फ्लेम पे ही। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म फुल्का या चपाती के साथ सर्व करेंगे।